तो भाई आज की इस वीडियो में मैं V29 और V29E का डेमो अनलॉक करने वाला हूं, वो भी सिर्फ वन क्लिक में। इस वीडियो के अंदर मैं आपका डेमो अनलॉक सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर दूंगा। इतना ज़्यादा इजी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक होगा। सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को सेंड किया है कि भाई वीवो V29E का डेमो अनलॉक करना है, क्या हो जाएगा? तो मैंने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, आप टीम और सेंड कीजिए। सो गाइज, देख सकते हैं इन्होंने अपने फ़ोन का यहाँ पे पिक दे दिया है, जिसमें यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है डेमो। अब ये डेमो क्या होता है, जो हमारे फ़ोन है वो डेमो फ़ोन आते हैं और ये लॉक होते हैं। इसमें काफ़ी सारी बाउंडेशन होती है, मतलब फ़ोन में आप फ़ोन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं इस डेमो के वजह से। और जैसे ही ये डेमो अनलॉक हो जाता है, आप फ़ोन को नॉर्मल तरीके से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मॉडल है ये वीवो का 2303 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। साथ ही साथ यहाँ पे PD मॉडल भी शो कर रहा है, वीवो का PD 2313F, वीवो 2313F है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं वीवो का V29E को अनलॉक कर रहा हूँ। इस मेथड के जरिए वीवो V29 या वीवो V29 का कोई भी सीरीज इस मेथड के जरिए अनलॉक हो जाएगा इजीली। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई देख सकते हैं, मैं इनके PC पे कनेक्ट हो चुका हूं और मैं यहां से डिवाइस मैनेजर को ओपन करता हूं और इन्होंने फ़ोन को ऑन करके यहां पे कनेक्ट किया है। तो देख सकते हैं, आप दिखा रहा है V29E, जो इनका मॉडल है वो V29 है, बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको डेमो अनलॉक करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अभी प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो इसके लिए गाइज मैं यूज करूंगा TFM टूल का, TFM टूल के मेन मेड्यूल का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहां से TFM टूल को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं इसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद गाइज इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इनका फ़ोन तो अभी नॉर्मल मोड में कनेक्ट है, तो फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमें फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना होगा। फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको फ़ोन को पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप की प्रेस करके केबल लगा देना होता है, आपका डायरेक्ट फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कीजिए, और देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ADB इंटरफेस में यहाँ पे पोर्ट आ गया फास्ट बूट का एंड्रॉयड, यहाँ पे देख सकते हैं ADB का यहाँ पे पोर्ट आ गया यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में। तो बेसिकली ये फास्ट बूट का पोर्ट है। अब हमें क्या करना है, TFM का काफ़ी सारा सेटअप आता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ TFM के ऊपर, बट ये TFM का मेन मेड्यूल वाला सेटअप है, डाउनलोड पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्वालकॉम वाले सेक्शन में आता हूँ। इसमें आने का गाइज यहाँ पे एक वीवो का बीच में सेक्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने का गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले फ़ोन का रीड इन्फो ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार रीड इन्फो लेता हूँ। रीड इन्फो लेने के बाद गाइज यहाँ पे दिखा रहा है PD 2313F, मतलब वीवो का PD 2313F है, जो कि लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, वही ये फ़ोन है। तो अब इसके लिए गाइज आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फ़ोन को फास्ट बूट से EDL में ले जाना होगा। EDL क्या होता है, EDL होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड, जिसमें आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन फ़ोन नया है तो हम लोग फ़ोन को ओपन नहीं करेंगे, फास्ट बूट से EDL ले लेंगे और EDL में प्रोसेस कर लेंगे। अगर ऐसे हम लोग डेमो अनलॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ बताता है कि वेटिंग फॉर कॉम पोर्ट, मतलब ये EDL के लिए वेट करता है, EDL में इसका प्रोसेस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे फास्ट बूट टू EDL के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इस काम के लिए आपके अकाउंट से कुछ क्रेडिट कट होंगे, जो कि प्रोसेस होने के बाद रिफंड नहीं होंगे। तो भाई मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मुझे EDL में ले जाना है, तो मैं सिंपल सा यस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यस किया, यहाँ से सर्वर से अर्थ लिया और देख सकते हैं गाइस, जो मेरा फास्ट बूट का पोर्ट था, इधर जो ADB का पोर्ट आ रहा था वो डायरेक्टली हट के यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट आ गया। नीचे देख सकते हैं क्वालकॉम HS USB लोडर का पोर्ट आ गया। ये बेसिकली अब फ़ोन जो हमारा था वो फास्ट बूट के जरिए डायरेक्ट EDL में चला गया। इस टाइम क्या होगा, फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा और फ़ोन आपका EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, वीवो का डेमो अनलॉक करने के लिए हम लोग वीवो डेमो 1113 के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये भी बोलेगा कि भाई इस काम के लिए भी आपके अकाउंट से कुछ क्रेडिट कट होंगे, क्या आप एग्री हैं? तो हाँ भाई मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मुझे इसका डेमो अनलॉक करना ही है। तो मैं सिंपल सा यस कर दूंगा और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये फिर से सर्वर से अर्थ लेगा, क्योंकि ये सर्वर से काम होता है। तो यहाँ पे इसने सर्वर से अर्थ लिया और देख सकते हैं रिमूविंग डेमो ओके हो गया और यहाँ पे रिबूट फ़ोन ओके हो गया, मतलब फ़ोन का डेमो भी अनलॉक हो गया और आपका फ़ोन रीस्टार्ट भी हो गया।
तो मैं इनको बोल देता हूँ भाई आपका काम डन हो गया, एक बार फोन को ऑन करके मुझे पिक दे दीजिए ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और देख सकते हैं गाइज इन्होंने मुझे फोन को ऑन करके यहाँ पे पिक दे दिया है और बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल मेरा फोन पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो डेमो हम लोग का पहले आ रहा था कॉर्नर पे डेमो दिखा रहा था, वो डेमो नहीं दिखा रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको डेमो अनलॉक करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका डेमो अनलॉक करके दे दूंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, रहते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।